पूरे देश में आग लगी हुई है और ये सरकार नौजवानों पे, विद्यार्थियों पे, नागरिकों पे एकदम आतताइयों जैसा जुर्म कर रही है। उसी के खिलाफ प्रियंका जी आज दिल्ली में धरने पे बैठी हैं। कोई अपनी आवाज़ न उठावे, कोई अपनी बात भी न कहे, बिना बात उसे बेरहमी से पीटा जाए। मैं बार बार कहता हूँ, ये बीजेपी ने ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट टू है। इसी तरह से अंग्रेज भारतीयों पे जुर्म करते थे, लाठियाँ बरसाते थे, गोलियाँ बरसाते थे, और वही पार्ट टू बीजेपी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट टू आज कर रही है अपने देशवासियों पे, नागरिकों पे, छात्रों पे, महिलाओं पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे, किसानों पे, मजदूरों पे लाठियाँ गोलियाँ बरसा रही हैं। सर, नॉर्थ ईस्ट जला, उसके बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश तक मामला आ गया है। आज नदवा कॉलेज के स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या कहेंगे सर? कई पत्रकार भी इस पूरे प्रोटेस्ट के चपेट में आ जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो लोग धरने प्रदर्शन पे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए राष्ट्र से इस तरह की इतनी ओछी हल्की भाषा के लिए। आपका संविधान आपको नहीं पता है क्या कि क्षेत्र, जाति, भाषा, वर्ग विशेष आदि इत्यादि से आप किसी को बांट करके इस तरह से बात नहीं कर सकते? एक प्रधानमंत्री इतनी हल्की बात कर रहा है कि प्रदर्शनकारी कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं, ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये दिख रही इनकी मंशा। जी, वहीं सर, आज उन्नाव मामले में जो विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, वो दोष सिद्ध उनपे ऊपर हो गया है, सजा का ऐलान कुछ दिनों में हो जाएगा, और ये पहला मामला है, चार मामले और उनके ऊपर अभी हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून ने आज एक फैसला सुनाया। बीजेपी के लोगों को समझना चाहिए कि जो बलात्कारियों से सद्भाव रखते हैं वो, अब बलात्कारियों को जो सड़क